तो मूवी की शुरुआत होती है हेलोवीन नाइट से, जहां ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन कारमाइन फैल्कोनी के पास एक मीटिंग के लिए जाता है। एक्चुअली कारमाइन और ब्रूस के डैड पहले एक साथ मिलकर गॉथम सिटी में स्कूल्स, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए थे, इसलिए अब कारमाइन चाहता था कि ब्रूस भी उसके डैड की तरह ही फैल्कोनी परिवार के साथ मिलकर काम करे। लेकिन ब्रूस ये बहुत अच्छे से जानता था कि कारमाइन इन्हीं स्कूल हॉस्पिटल के जरिए अपना सारा काला पैसा सफेद करवाता था, इसलिए ब्रूस उसके साथ हाथ मिलाने से मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है कारमाइन का नेफ्यू जॉनी विटी पर, जो कि हार्वी डेंट से मिलने आता है। एक्चुअली जॉनी विटी अगली सुबह कारमाइन के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उसी रात जब वो अपने घर लौटता है तो वहाँ एक होलीडे नाम का किलर आकर उसे जान से मार डालता है। अब इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन और हार्वी को अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम दोनों मिलकर इस केस पर काम करो और उस होलीडे किलर का पता लगाओ। इसी बीच बैटमैन की नजर पड़ती है कैट वुमन पर, जो कि दूर से उनको देख रही थी, जिसके बाद बैटमैन उसका पीछा करने लग जाता है। अब कैट वुमन भी उसे अपने पीछे भगाते हुए कारमाइन के एक सीक्रेट अड्डे पर ले आती है, जहां पर कारमाइन का बहुत सारा ब्लैक मनी रखा हुआ था। तभी वहां हार्वी डेंट भी आ पहुंचता है, जिसके बाद ये तीनों उन सारे पैसों को जला डालते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है कारमाइन और उसकी फैमिली पर, जो कि जॉनी विटी के मौत का शौक मना रहे थे। एक्चुअली कारमाइन को ये पता ही नहीं था कि जॉनी विटी उसके खिलाफ कुछ खुलासा करने वाला था, और अब उसे हार्वी पर शक होने लगता है कि जॉनी विटी के मौत के पीछे उसी का हाथ होगा। इसलिए कारमाइन अपने एक आदमी मिकी चैन के जरिए हार्वी के घर में बॉम्ब लगवा देता है। फिर हार्वी जैसे ही घर आता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लकीली हार्वी और उसकी वाइफ उस धमाके से बच जाते हैं। फिर बैटमैन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत मिकी चैन का पीछा करने लग जाता है, पर तभी रास्ते में मिकी चैन के लोग आकर बैटमैन पर अटैक करने लगते हैं, पर वो बड़ी आसानी से उन सबको डिफीट करके दोबारा मिकी चैन का पीछा करते हुए सीवर में जा पहुंचता है, जहां सोलोमन ग्रंडी मिकी चैन का गला दबोच लेता है। पर बैटमैन किसी तरह सोलोमन को समझा कर मिकी को उससे छुड़वा लेता है और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले आता है, लेकिन वहां मिकी अपना मुंह ही नहीं खोलता, जिससे गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि इससे हमें कुछ फायदा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें तो वैसे ही पता है कि हार्वी के घर में बॉम्ब ब्लास्ट करने के पीछे कारमाइन का ही हाथ है, इसलिए हम दूसरे तरीके से भी कारमाइन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इतना कहकर वो मिकी को भी छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है कारमाइन पर, जहां हम उसके बेटे अल्बर्टो को देखते हैं, जिसने हार्वी के लिए हॉस्पिटल में फूल भिजवाए थे ताकि उसे फैल्कोनी परिवार पर शक ना हो। अब ये जानने के बाद कारमाइन अल्बर्टो पर बहुत गुस्सा करके उसे कहता है कि मेरे बिना परमिशन के तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे। एक्चुअली कारमाइन अपने बेटे को हमेशा से ही निकम्मा समझता था, क्योंकि वो हर टाइम बस घर में बैठकर कुछ पजल्स ही सॉल्व किया करता था। फिर दिन आता है थैंक्स गिविंग का, जहां मिकी चैन अपने आदमियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर तभी वहां हॉलीडे किलर आकर उन सभी को जान से मार डालता है। एक्चुअली ये हॉलीडे किलर सिर्फ उसी दिन ही मर्डर करता था जब कोई नेशनल हॉलीडे या फिर कोई खास दिन हो। फिर दिन आता है क्रिसमस, जहां अब बैटमैन और गॉर्डन समझ जाते हैं कि हॉलीडे किलर आज भी किसी का मर्डर कर सकता है, इसलिए ये दोनों सीधा अर्कम एसाइलम में जाकर कैलेंडर मैन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे हिसाब से हॉलीडे किलर आखिर कौन हो सकता है, जिस पर वो तीन नाम बताता है। पहला कारमाइन फैल्कोनी, दूसरा उसका कंपिटेटर सेल्वेटोर मरोनी और तीसरा हार्वी डेंट। अब बैटमैन सोच में पड़ जाता है, तभी उसे खबर मिलती है कि जोकर अर्कम एसाइलम से भाग चुका है। एक्चुअली जोकर को जब से हॉलीडे किलर के बारे में पता चला था तब से वो उससे काफी जेलस हो गया था, क्योंकि अब जोकर से ज्यादा हॉलीडे किलर गॉथम सिटी में काफी पॉपुलर होने लग गया था, इसलिए अब जोकर उसकी आइडेंटिटी पता करने सीधा हार्वी के घर पहुंच जाता है और उसे धमकी देकर कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम ही हॉलीडे किलर हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। जिसके बाद जोकर यहां से सीधा सेल्वेटोर मरोनी के पास जाकर उसे भी यही धमकी देता है। फिर वो जाता है कारमाइन फैल्कोनी के पास और उसे एक चेयर में बांधकर थोड़ा बहुत टॉर्चर करके उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम्हें कहीं से भी हॉलीडे किलर के बारे में पता चला तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी कारमाइन का बॉडीगार्ड उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जोकर समहाउ उससे बच निकलता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हॉलीडे किलर आकर कारमाइन के बॉडीगार्ड को मार डालता है। फिर आता है न्यू ईयर का दिन, जहां ब्रूस जाता है कारमाइन के चैरिटी पार्टी को अटेंड करने, जहां कारमाइन सबके सामने ब्रूस को अपने बेटे समान बताता है, जिसको सुनकर अल्बर्टो को बहुत बुरा लगता है। वही हार्वी अपनी वाइफ के साथ गॉथम के बाकी लोगों के साथ बाहर सेलिब्रेशन कर रहे थे,
तभी वहाँ जोकर एक प्लेन से आ पहुँचता है। एक्चुअली उसे 50-50 शक था कि इसी भीड़ में हॉलिडे किलर मौजूद हो सकता है, इसलिए वो इन सारे लोगों के ऊपर पॉइजन गैस गिराकर उन्हें जान से मार देना चाहता था, ताकि अगर वहाँ पर हॉलिडे किलर होगा तो वो भी उसमें मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है और जोकर के साथ प्लेन पर ही फाइट करने लगता है और फाइनली किसी तरह उसको डिफीट करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तभी उसके दिमाग में कारमाइन का बेटा अल्बर्टो का नाम आता है। उसे लगता है कि शायद अल्बर्टो ही हॉलिडे किलर होगा, क्योंकि उसका अपने डैड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि अल्बर्टो अपने डैड की गद्दी छीनने के लिए ऐसा कर रहा हो। इसलिए बैटमैन सीधा अल्बर्टो के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हॉलिडे किलर दूर से अल्बर्टो पर गोली चलाकर उसे मार डालता है और वो इस बार भी बैटमैन के हाथ से बच निकलता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अल्बर्टो के फ्यूनरल में कारमाइन ब्रूस को पॉइजन आईवी से मिलाता है, जहां पॉइजन आईवी ब्रूस से हाथ मिलाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब इसके आगे क्या होने वाला है और हॉलिडे किलर आखिर है कौन, ये हम इसके सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।